हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग होने वाला है मेरे 3 प्यारे प्यारे बच्चों के ऊपर। ये है बनी, इसकी ग्रोथ बहुत ही प्यारी हुई है। मतलब आप मानोगे नहीं, मैं इसे अगस्त में लेकर आया था। इसकी ग्रोथ इतनी प्यारी हुई है ना, मैं बता ही नहीं सकता। और इन्हें मैं खाने में क्या देता हूँ, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट अलग टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल आप इनकी ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए। इसकी ग्रोथ इतनी प्यारी हुई है ना, इसे मतलब सर्दियों में भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं हम इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं इनका। मतलब गॉड फेयर की इतनी प्यारी ग्रोथ हुई है ना, बस आई कांट से एनीथिंग। फिर है मेरा दूसरा कछुआ, वो देखिए छुपा हुआ है, देख रहे हैं हमें वहाँ से। ये हमारा प्यारा टुकू टुकू, इसको हम प्यार से टुक टुक बुलाते हैं। वैसे इन्हें अभी नाम पहचानने की आदत है नहीं। ये डरता बहुत है, पहले तो बहुत डरता था, लेकिन अब तो फिर भी कम शाय है, सामने आता है खाना खाने के लिए। एक और तीसरा टर्टल है, वो तो बहुत ज़्यादा डरता है। खैर ये देखिए काटता भी है, इसने मुझे एक बार काटा भी है। मैंने इसे अपने आप को कटवाया भी है बचपन में, मतलब जब ये छोटा था इसके बचपन में इसने मुझे काटा है। मतलब और भी छोटा था जब आया था नया ना, तो बहुत तेज़ काटा था इसने। अब मैं इसको ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करता, छोड़ देता हूँ। और मैं आपको फिर अपना तीसरा कछुआ दिखाऊँगा, पर उससे पहले आप इसकी बकेतियाँ देखिए अभी थोड़ी। इतना प्यारा है ना ये कछुआ, मतलब इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है। ये सेकंड टाइम आया था, मतलब अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर के आसपास में आए थे 2 कछुए। उसमें से एक ही बचा था, एक मर गया था आते आते। लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत प्यारी हुई है। ये हम तीसरा कछुआ ढूंढते हैं, वो बहुत ज़्यादा शैतान है, वो छुपा रहता है दिन भर। मतलब वो पहला कछुआ है जो अगस्त में आया था, पहले वाले के साथ। मैं आपको दोनों का कंपेरिजन करके दिखाऊँगा ग्रोथ का। आप खुद नहीं मानोगे कि उसकी ग्रोथ मतलब इतनी रुकी क्यों है। मतलब इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुकी हुई है। आई डोंट नो कि क्या हुआ है इसे। खाता भी सही है और क्या कहते हैं, शैल भी इसका बहुत सही है, हार्ड शैल है एकदम। थोड़ा शाय सा है, पर मेरे ख्याल से शायद उसने ज़्यादा मछलियाँ चबाई है जो उसके साथ आया हुआ था। इसने मछलियाँ नहीं चबाई, इसमें शायद इसकी ग्रोथ रुकी पड़ी है। बट ऑल्दो भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये खा पी भी सही रहा है, खेलता भी अच्छी तरीके से है, पानी में करके बास्किंग भी लेता है पूरी। ये सब चीज़ें कर रहा है, जिससे मुझे ये फील हो रहा है कि ये बिल्कुल सही है। बट स्टिल इसकी ग्रोथ रुकी हुई है। दोनों की ग्रोथ देख सकते हो आप, इसकी ग्रोथ में और इसकी ग्रोथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी ग्रोथ में है, इसकी ग्रोथ कम है। इसकी साइज़ भी छोटा रह गया है। आई डोंट थिंक सो कि ये मेल है, ये फीमेल है मेरे ख्याल से। मंगाई तो मैंने मेल ही थे, अब बाकी तो भगवान जाने, भविष्य में देखेंगे। चलिए गाइस, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आज का मतलब ब्लॉग सिर्फ इन्हीं की ग्रोथ के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको इनका खाने के बारे में जानना है, या फिर मैंने खाने में क्या देता हूँ अपने ऑस्कर्स को, पैरेट को, गोल्ड फिश को, सब साथ में रहते हैं एक्चुअली में। और कछुआ भी इनके साथ ही रहता है। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई थी, पर अब सब नॉर्मल है। आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें।